तो भाई डिजाइनर्स तैयार हो जाओ। जो E4 इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए एक बहुत ही उम्दा चीज लेकर आया हूँ। अक्सर डिजाइनर्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, E4 इंस्टॉल तो कर रहे हैं लेकिन E4 में अपनी शॉर्ट कीज जो है वो E2 से डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो भाई नई शॉर्ट कीज, अब हाथ में जो बैठा है E2 और उससे पहले 2006, अब शॉर्ट कीज तो वही रहेंगी ना। अब E4 में आने के बाद लड़के परेशान हो रहे थे कि ये क्या हो गया, अब तो शॉर्ट कीज इस्तेमाल ही कर नहीं पा रहे। तो आपके लिए बेहतरीन सलूशन लेकर आया हूं, वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों ये है सलूशन, मैं आपको एक सिंपल सी फाइल दे रहा हूं, आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और जाके उस फाइल को डाउनलोड करें। जिप फाइल है, उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करें, वो जिप फाइल है विनरार, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास विनरार नहीं है, आप विनरार को डाउनलोड करके उस फाइल को अनजिप कर सकते हैं। अनजिप करने के बाद उसमें से एक सिंपल एक सपोर्टिंग फाइल आएगी, उस फाइल को आपने अपने विलकॉम के सेटअप में जाना है। सेटअप कहाँ होता है, नॉर्मली 99% सेटअप जो है हमारा सी में होता है, जहाँ पे हमारी विंडो होती है उस सेटअप में जाना है। वहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, विलकॉम के फोल्डर में जाना है। विलकॉम के फोल्डर में आपको वहाँ मिलेगा ESRES का फोल्डर, ESRES का फोल्डर मिलेगा। इस फाइल को जो आप अनजिप करेंगे, अनजिप करने के बाद एक फाइल आपको कलेक्ट होगी, उस फाइल को ESRES के फोल्डर में आपने पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा यू आर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिस फाइल, आप उसको रिप्लेस कर देंगे अगर आपके फाइल में ऑलरेडी वहां पर है तो। आप उसको रिप्लेस करने के बाद अपना सिंपल कंप्यूटर रीस्टार्ट करें। इन सारे प्रोसेस में आपका विलकॉम बंद होना चाहिए। आप रीस्टार्ट कंप्यूटर करने के बाद अपना विलकॉम ऑन करें और आपके लिए अमेजिंग गिफ्ट है, आपकी जो कीज हैं E2 वाली कीज हैं वो आप E4 में यूज कर सकते हैं आसानी से। चलता हूँ, इस वीडियो को शेयर करें डिजाइनर्स के साथ ताकि सभी की मुश्किलात आसान हो सके। अस्सलाम वालेकुम।